सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की जो इंक्रीमेंट डेट है वो कौन कौन सी रहेगी उनकी ज्वाइनिंग के टाइम के अनुसार। तो सबसे पहले इसमें पहला जो केस है वो ये है कि ऐसे सभी केंद्रीय कर्मचारी जो कि सरकारी जॉब में या तो उनकी नियुक्ति हुई है या फिर उनका प्रमोशन हुआ है या फिर उनका अपग्रेडेशन हुआ है MACP के वजह से 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच में, मान लो कि अभी 2018 चल रहा है, तो ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो कि 2 जनवरी 2018 और 1 जुलाई 2018 के बीच में, यानी इन दोनों डेटों को इंक्लूड करने के और इनके बीच में यदि वो सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हैं तो उनकी जो नेक्स्ट डे ऑफ इंक्रीमेंट रहेगी वो रहेगी 1 जनवरी 2019 ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी, क्योंकि एक इंक्रीमेंट प्राप्त करने के लिए मिनिमम 6 महीने की सर्विस जरूरी है। और आप सातवें वेतन आयोग ने 2 डेट फिक्स किए हैं, 1 जुलाई फिक्स की है और एक है 1 जनवरी। तो इस कैटेगरी में आने वाले सभी जो कर्मचारी हैं उनकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट रहेगी January 1, 2019। उसके बाद में दूसरा केस आपके सामने है कि ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो कि 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच में, यानी किसी भी साल का आप ले सकते हैं, सामने यहाँ पे 2018 लिया है कि 2 जुलाई 2018 और 1 जनवरी 2019 के बीच में जो भी सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हैं या फिर उनका प्रमोशन होता है या फिर उनका MACP की वजह से फाइनेंशियल अपग्रेडेशन उनको मिलती है, तो उनकी जो नेक्स्ट डे ऑफ इंक्रीमेंट रहेगी वो रहेगी 1 जुलाई 2019। तो इस तरीके से आप केंद्रीय कर्मचारियों को यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे सभी कर्मचारी जो कि 1 जनवरी को सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्हें जुलाई यानी 1 जुलाई को विद इन 6 मंथ में उन्हें उनका पहला इंक्रीमेंट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये कंडीशन यहाँ पे है कि आपको नेक्स्ट इंक्रीमेंट लेने के लिए 1 साल का इंतजार करना होगा। तो यदि आपको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट मिल जाता है तो आपका नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट रहेगा वो रहेगा आपका नेक्स्ट जनवरी यानी 1 जनवरी। तो इस तरीके से आप केंद्रीय कर्मचारियों को इन दो कंडीशनों में 2 डेट पर, यानी उनकी ज्वाइनिंग के डेट या फिर उनका प्रमोशन का डेट और MACP का डेट जो भी है उसके अनुसार उनको एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। और जो कि अब एक पे मैट्रिक्स बनाया है उसके नीचे, यानी जिस भी लेवल में आप जा रहे हैं उसके नीचे वाली सेल में जो भी आपका वैल्यू आता है वो आपका हो जाएगा नया पे यानी इंक्रीमेंट के टाइम पर। तो इस प्रकार सभी केंद्रीय कर्मचारियों को वार्षिक वेतन बढ़ोतरी दी जाएगी इन दो फॉर्मूलों के अनुसार। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई सूचना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। और दोस्तों सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोग जुड़ी हुई हर एक अच्छी अपडेट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।